हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 6 सितंबर 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको दो क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? नेशनल न्यूट्रिशन वीक इसकी शुरुआत की गई थी 1982 में। कब? 1982 में। हाल ही में नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया गया 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक, लोगों को न्यूट्रिशन और हेल्दी डाइट के विषय में अवेयर करने के लिए। 1982 से नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक है 2021, थीम क्या है? फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। क्या? फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट, ये है नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2021 का थीम। हालांकि जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक है इसको इनिशिएट किया था 1973 में अमेरिकन डायटिक एसोसिएशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में पहली बार ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है? तो ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु में सेटअप किया जा रहा है। ड्यूगोंग मछली की एक प्रजाति है, आप देख पाइए। देखिए, इसको सी काऊ भी कहते हैं, IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है। हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया गया है कि इंडिया का पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व पाक बे पाक की खाड़ी कहाँ है? श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में, वहीं पर इंडिया का पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व मतलब स्थापित किया जाएगा। देखिए, जो ड्यूगोंग है वो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक बे में पाई जाती हैं। तो पाक बे का 500 किलोमीटर एरिया है जहां पर इंडिया का पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रूड लाइफ द मेमोर ये बुक किसने लिखी है? अ रूड लाइफ द मेमोर ये बुक वीर सांघवी ने लिखी है। किसने? वीर सांघवी। ये है वीर सांघवी, इनके द्वारा यादों का एक संग्रह अ रूड लाइफ लिखी गई है। बस इतना रखें, अ रूड लाइफ वीर सांघवी की यादों का संग्रह, जाने माने जर्नलिस्ट हैं। टीचर्स डे शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया गया किसकी याद में? तो इंडिया में दो ही वाइस प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं जिन्होंने दो बार का टर्म कंप्लीट किया है। पहले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी याद में टीचर्स डे मनाया जाता है। दूसरे कौन है? हामिद अंसारी। चलिए देखते हैं, 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया गया किसकी याद में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न कब मिला था? 1954 में। देखिए, ये सेकेंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के, हालांकि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, 10 वर्षों के लिए वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। इनका जन्म मद्रास में हुआ था, तमिलनाडु, याद रखिएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी में। 2021 में, क्योंकि नेशनल टीचर्स डे वाले दिन नेशनल टीचर्स अवार्ड दिए जाते हैं, तो 2021 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी द्वारा नेशनल अवार्ड दिए गए हैं 44 टीचर्स को। तो नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को एक और डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन्होंने दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? असम में मेरे ख्याल से स्थित है। दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में स्थित है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कहा है कि दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास इको सेंसिटिव जोन रहेगा, यानी 10 किलोमीटर का जो एरिया रहेगा वो इको सेंसिटिव जोन यानी प्रोटेक्टेड एरिया रहेगा। देखिए, इको सेंसिटिव जोन ये क्या होता है? किसी भी नेशनल पार्क के आसपास का या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास का वो एरिया होता है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बिल्कुल रोक दिया जाता है या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस को रोक दिया जाता है। इको सेंसिटिव जोन कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कौन से एक्ट के तहत जारी किया है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1986 में पास हुआ था। तो दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? असम में। असम में ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड है जिसका नाम है माजुली द्वीप। देखिए, असम की कैबिनेट ने ओरांग नेशनल पार्क में से राजीव गांधी जी का नाम हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वतन प्रेम योजना किसने लॉन्च की है? तो गुजरात गवर्नमेंट द्वारा वतन प्रेम योजना लॉन्च की गई। कौन सी? वतन प्रेम योजना, गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर कहाँ की कैपिटल है? गुजरात की। चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी द्वारा क्या वतन प्रेम योजना लॉन्च की गई है? तो मेरे ख्याल से कुछ और खास इंपॉर्टेंट नहीं है। वतन प्रेम याद रखिएगा, इसमें गवर्नमेंट और NRIs का कंट्रीब्यूशन होगा 50-50। हालांकि इसको अब चेंज करके 60-40 कर दिया गया है। वतन प्रेम योजना में स्टार्टिंग में क्या था? 50-50 का रेशियो था। तो चीफ मिनिस्टर कौन है गुजरात के? विजय रूपानी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत थे मेरे ख्याल से, कन्फर्म नहीं कुछ। अच्छा, नेक्स्ट ये देख लीजिए, जो 12वां डिफेंस एक्सपो 2022 में होने जा रहा है वो गांधीनगर में होने जा रहा है। गुजरात, इंडिया की लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात की, आपको याद रखना है। और स्मॉलेस्ट किसकी है? गोवा की।
क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, या फिर इंडिया की रैंक कौन से प्लेस पर रही? तो 24th पे रहा है इंडिया। पहली बार टोक्यो पैरालंपिक में इंडिया ने 5 मेडल जीते हैं, टोटल 19 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 एक गोल्ड है, 5 मेडल बोल गया मैं, 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो पहली बार हुआ है जब पैरालंपिक में इंडिया ने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस की है। इंडिया को 24th प्लेस मिला है 162 कंट्रीज की लिस्ट में, तो अच्छी परफॉर्मेंस रही। याद रखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक की जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें फ्लैग बेयर कौन थे? टेक चेंज, ये जेवलिन थ्रोवर टेक चेंज जी, ये फ्लैग बेयर थे ओपनिंग सेरेमनी में। अच्छा, क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयर अवनी लेखरा शूटर। तो ये दोनों लोग मेरे ख्याल से गोल्ड मेडलिस्ट हैं अपने अपने फील्ड में, वो बात अलग है कि मैं बता नहीं पाऊंगा इस समय कि कौन से स्टेट के हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियसली पढ़ा दिया है। इंडिया का थीम सॉन्ग क्या था पैरालंपिक्स के लिए? कर दे कमाल तू। संजीव सिंह ने इसको बनाया था, जो कि दिव्यांग क्रिकेटर है, ये पढ़ चुके हम लोग, लखनऊ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लीडर्स लिस्ट, वर्ल्ड लीडर्स लिस्ट यानी विश्व के नेताओं की सूची को किसने टॉप किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने वर्ल्ड लीडर्स लिस्ट को टॉप किया है। 13 वर्ल्ड की लीडर्स की लिस्ट बनाएगी, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने टॉप किया है। 70% देश की 70% जनता जो है इन पर विश्वास करती है, 25% लोग जो है इनसे अप्रूव नहीं करते हैं। तो वर्ल्ड बेस्ट लीडर लिस्ट को किसने टॉप किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। पल्स इंडिया का फर्स्ट इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है, इसमें डाटा इंसाइट और ट्रेंड्स अवेलेबल होगा, इसको किसने लॉन्च किया है? पल्स को लॉन्च किया गया है फ़ोनपे द्वारा। किसके द्वारा? फ़ोनपे द्वारा। फ़ोनपे इन्होंने लॉन्च किया है, फ़ोनपे पल्स। क्या नाम है? फ़ोनपे पल्स। इंडिया का पहला इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है जिसमें डाटा इंसाइट ट्रेंड्स को यूज़ किया गया है डिजिटल पेमेंट का, मतलब डिजिटल पेमेंट का जितना भी ट्रेंड्स चल रहा होगा ऑल ओवर कंट्री में, उसका सारा डाटा आपको मिल जाएगा फ़ोनपे पल्स पर। तो एक ही टाइम में जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होंगे, खासकर 2000 करोड़ से ऊपर के डिजिटल ट्रांजेक्शन पल्स में दिखाए जा चुके हैं, जो कि इंडिया में किए गए हैं। तो पल्स किसका प्लेटफॉर्म है? फ़ोनपे का, आपको रखना है। तो देख लीजिए, डिजिटल पेमेंट्स पिछले 5 वर्षों में कैसे इवेल्यूएट हुआ है, पल्स रिपोर्ट उसकी पब्लिश की जाएगी फ़ोनपे द्वारा। फ़ोनपे की स्थापना 2015 में की गई थी, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। समीर निगम फाउंडर एंड सीईओ, को फाउंडर एंड सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलआईसी द्वारा बैंक ऑफ इंडिया में कितने स्टेक एक्वायर कर लिए गए हैं? एलआईसी ने देखिए हाल ही में 3.9% स्टेक एक्वायर कर लिए हैं बैंक ऑफ इंडिया में, ओपन मार्केट एक्विजिशन के दौरान। देखिए, एलआईसी के पहले से ही बैंक ऑफ इंडिया में 3.17% स्टेक थे, अब 3.9% स्टेक और एक्वायर कर लिए हैं, तो एलआईसी के बैंक ऑफ इंडिया में 7.05% स्टेक हो गए हैं। और सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर कोई कंपनी किसी कंपनी के 5% से अधिक स्टेक एक्वायर कर लेती है, तो उसको शेयर मार्केट में लिस्ट करवाना जरूरी है। एलआईसी की बात करें तो 1 सितंबर 1956 को स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो हाल ही में मनाया गया है इसलिए मैं बोल दिया। 1956 में एलआईसी की स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला वन की डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 को किसने जीता है? तो क्यों जीता है? मैक्स वर्स्टपेन ने। देखिए, आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे किसने जीता है, आपसे ये पूछेंगे मैक्स वर्स्टपेन किसके ड्राइवर हैं? रेडबुल के। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? नीदरलैंड से। ऐसे ही आपसे पूछेंगे लुइस हैमिल्टन किसके ड्राइवर हैं? मर्सिडीज के। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ग्रेट ब्रिटेन से। वॉल्टेरी बोटास मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। तो ये टॉप 3 ड्राइवर्स याद रखिएगा, ये हैं मैक्स वर्स्टपेन, जिन्होंने क्या जीता है? डच ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में जो ऑर्किड्स ऑर्किड्स प्लांट की लार्जेस्ट प्रजातियां हैं वो किस स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश में ऑर्किड्स की लार्जेस्ट स्पीसीज पाई जाती हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हैं तागे ताकी, इन्होंने सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वाइल्ड ऑर्किड्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसको जो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है, सुबनसिरी कहाँ की डिस्ट्रिक्ट है? अरुणाचल प्रदेश की, वहीं पर इसको इनॉग्रेट किया है। ऑर्चिड क्या करते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स की लार्जेस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। पूरे वर्ल्ड में 24,500 ऑर्किड्स पाए जाते हैं, कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ऑर्किड्स की स्पीसीज हैं वो अरुणाचल प्रदेश में आती हैं, इंपॉर्टेंट है, 558 स्पीसीज। वाइल्ड ऑर्किड्स कंजर्वेशन ट्रेल, इसको 2018 में लॉन्च किया गया था अरुणाचल प्रदेश की टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा 2 क्रेडिट लिंक स्कीम लॉन्च की गई हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में इंडिया के आयुष मिनिस्टर कौन है? तो रिसेंटली चेंज हुए हैं और नए अपॉइंट हुए सर्बानंद सोनोवाल, जो कि पहले असम के क्या थे? मुख्यमंत्री थे।
मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, आयुष आपके द्वार। इसमें क्या होगा, लगभग 75 लाख हाउस होल्ड्स को अगले एक वर्ष में मेडिसिनल प्लांट्स की सैम्पलिंग्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगी। यानी घर में आप मेडिसिनल प्लांट लगाइए, उसकी सैम्पलिंग्स आपको मिल जाएगी। तो अगले एक वर्षों में कितने, 75 लाख, आयुष आपके द्वार इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है। इसमें ये सारे प्लांट्स हैं जो प्रोवाइड किए हैं घर घर। अच्छा, आयुष का फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा होम्योपैथी। मिनिस्टर हैं सर्वानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री के सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि कंट्री का जो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति है वो दो लगातार टर्म्स को सर्व कर सकता है। तो हाल ही में एल सेल्वाडोर सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, इसने अप्रूव कर दिया है कि देश का राष्ट्रपति दो लगातार टर्म्स को क्या कर सकता है, सर्व कर सकता है। एल सेल्वाडोर, ये देख पा रहे होंगे आप, सेंट्रल अमेरिका का मैप है एल सेल्वाडोर, जो कि पैसिफिक ओशन को टच करती है। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है कि देश का राष्ट्रपति लगातार दो टर्म को क्या कर सकता है, इंजॉय कर सकता है। इससे क्या होगा, जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं नायब बुकेले, वो 2024 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे, यानी प्रेसिडेंट बने रहेंगे। तो नायब बुकेले एल सेल्वाडोर के पहले प्रेसिडेंट होंगे जो 5 ईयर्स से ऊपर के लिए एल सेल्वाडोर के राष्ट्रपति बनेंगे। एल सेल्वाडोर नाम याद रखिएगा, पैसिफिक ओशन को छूने वाली एकमात्र सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, यानी वो अटलांटिक को नहीं छूती है, यानी कैरेबियन को नहीं छूती है। एल सेल्वाडोर, सैन सेल्वाडोर कैपिटल करेंसी है, यूएस डॉलर, प्रेसिडेंट नायब बुकेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की नई एमडी कौन बनी है। तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी नई एमडी बनी है सुमन शर्मा, 1990 बैच की आईआरएस ऑफिसर हैं। नई एमडी बनी है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, ये हैं सुमन शर्मा। सेकी की नई एमडी बनी है, इन्होंने रिप्लेस किया है जितेंद्र नाथ स्वैन को। देखिए, सेकी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तैयारी करता है, 2011 में स्थापना हुई थी। और याद रखिएगा, नई एमडी बनी है सुमन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन स्क्वैश फेडरेशन किस वर्ष स्थापना की गई थी। एशियन स्क्वैश फेडरेशन, इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। क्यों, हाल ही में एशियन स्क्वैश फेडरेशन, इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, साइरस पोंछा, नाम रखिएगा साइरस पोंछा। एशियन स्क्वैश फेडरेशन की 41वीं एनुअल जनरल मीटिंग हो रही थी, उस दौरान साइरस पोंछा को एशियन स्क्वैश फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। एशियन स्क्वैश फेडरेशन 1980 में स्थापना हुई, कुआलालंपुर मलेशिया में हेडक्वार्टर है। जैक्स रोग, हाल ही में निधन हो गया, कहाँ से बिलोंग करते थे, बेल्जियम से। तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट रह चुके जैक्स रोग का हाल ही में निधन हो गया, बेल्जियम से बिलोंग करते, बस ध्यान रखिए। ये है जैक्स रोग, कहाँ से बिलोंग करते हैं, बेल्जियम से, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के क्या रह चुके हैं, हेड रह चुके हैं। इनके बाद ही थॉमस बाक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड बने थे। थॉमस बाक वर्तमान में हैं और इससे पहले जैक्स रोग थे। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन, आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड।